विजय मिश्रा मेरा काफ़ी वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहे थे, मुझे डरा करके, धमका करके, ठीक है, और उन्होंने मेरा रेप भी करवाया है। तो मैं कब का ये मामला है आज? पूरा मामला इतने नाम से बताइए। ऐसा कि विजय मिश्रा को मैं 2013-14 से जानती हूँ। मैं इलेक्शन का प्रचार था, तो प्रचार के संबंध में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने अपने बाहुबली विधायक के बल पे और मैं सर जबरदस्ती उन्होंने वो किया, और उस समय मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी, छोटी थी मैं 2013-14 में, तो मेरा शारीरिक शोषण किया और फिर मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी, तो मैं बॉम्बे चली गई, बाहर चली गई, और मुझे वीडियो कॉल कर करके वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। शायद अगर मैं इंसाफ के लिए कदम उठाऊँ तो कितनी माताएं बहनें उनसे डरती हैं, तो मेरे एक छोटे से कदम के आगे चलने से वो लोग भी सामने आए। इस वजह से मैं अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। विधायक विजय मिश्रा से आपकी पहचान कैसे हुई? कितने दिन से आप उनको जानते हैं? कितनी बार आपसे मिले हैं? हमसे उनकी मुलाकात करीब 3-4 बार हुई है जी। जानती कब उनसे हैं? किससे कैसे संपर्क हुआ आपसे? विजय मिश्रा से आप कैसे पहचान में आई? मेरा कार्यक्रम के दौरान मेरा परिचय हुआ था, उनके यहाँ कार्यक्रम था, तो मैं उनका गाँव यहाँ दानापुर है, मैं वहाँ पर गई थी। कार्यक्रम क्या, किस तरीके का कार्यक्रम आप कार्यक्रम करती हैं क्या? हाँ, मैं कार्यक्रम सिंगिंग करती हूँ। तो कहाँ प्रॉपर, कहाँ आप सिंगिंग काम करती थी, अपने जिले में करती थी? नहीं, मैं हर जगह करती थी, जहाँ मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाती थी। प्रॉपर रहने वाली आप हैं कहाँ की? हम प्रॉपर हैं बनारस से। अच्छा, विजय मिश्रा के अलावा और किसी को भी आपने किसी और की शिकायत की है? हाँ, किसकी? उनके बेटे की जी। बेटे पे क्या हुआ? आरोप नहीं लगाया है। विजय मिश्रा ऐसे इंसान है जो अपने तो गलत करते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन अपने ही साथ के करने के बाद वो दूसरों को भी परोस देते हैं, बोलते हैं हमारा कोई ना तो कोई मेरे पुलिस कर सकती है, न प्रशासन, न मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकता है, सारा पूरा भदोही से लेकर के इलाहाबाद सब कुछ हमारे क्षेत्र में आता है और हम कुछ नहीं कर, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज, तहरीर दिया, मुकदमा दर्ज करवाया? हमने 3 लोगों के खिलाफ दिया है। कौन कौन है वो लोग? एक विजय मिश्रा है और उनके बेटे हैं और उन्हीं के घर के एक लोग और हैं। मतलब तीनों लोगों ने रेप किया आपको? जी।